यूपी के कन्नौज में एसडीएम को ईमानदारी से काम करना महंगा पड़ गया। नगरपालिका के अध्यक्ष ने एसडीएम को खुलेआम अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। रिपोर्ट देखिए। यूपी के कन्नौज जिले में जीटी रोड के पास अवैध निर्माण काम चल रहा था, जिसको रुकवाने के लिए कन्नौज सदर के एसडीएम उमाकांत तिवारी अवैध कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष शैलेंद्र अग्निहोत्री अपने समर्थकों के साथ एसडीएम से भिड़ गए। कुछ लोगों ने, जो कन्नौज नगरपालिका के चेयरमैन है शायद, उन्होंने कुछ मलबा गिरा करके कुछ स्मारक बनाने की बात कही जा रही थी, जिसपे एज ए उपजिलाधिकारी हमें संज्ञान में आया, तो आज मैं इसको अतिक्रमण हटाने के लिए आया था। कुछ लोग विरोध कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक नगरपालिका अध्यक्ष सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा जमाना चाहता है, और जब एसडीएम ने इस पर कार्रवाई की तो नगरपालिका अध्यक्ष ने सरेआम एसडीएम को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।